हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे आज, फोर्थ लेक्चर। इसमें अपन ने जो पिछले लेक्चर में अपन ने अणुगति समीकरण का व्युत्पन्न किया था, काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करी थी। अब उस काइनेटिक इक्वेशन से अपन ने जो विभिन्न गैसों के नियम पढ़े हैं उसका डेरिवेशन या उसका व्युत्पन्न करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं बॉयल्स का नियम। बॉयल्स का नियम है, अपन जानते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अपना नियत रहेगा और नियत टेम्परेचर में जो वॉल्यूम होगी, जो आयतन होगा गैस का, कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, या V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। अपन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के K/P हो जाएगा, या दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर दो गैसें ले लें जिनका प्रेशर P1 V1 है और दूसरी गैस का P2 V2 है टेम्परेचर पर, तो P1 V1 हो जाएगा, P2 V2 आपके एक गैस या विभिन्न प्रेशर, तो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अपन डिराइव करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं किससे, काइनेटिक इक्वेशन से। तो काइनेटिक इक्वेशन है PV इज इक्वल टू 1/3 mNc² 2 से अपन मल्टीप्लाई और 2 से इस समीकरण को डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड में। 1/2 mNc² ये हो जाएगी औसत गतिज ऊर्जा अणुओं की। अपन ने सीम जानते ही हैं, वर्ग माध्य मूल वेग है, तो ये पूरी जो है औसत गतिज ऊर्जा अणुओं की आ जाएगी। इसको अपन KE से रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो 2/3 KE हो गया। PV बराबर है 2/3 K काइनेटिक एनर्जी। अब अपन जानते हैं, अपन ने काइनेटिक थ्योरी पढ़ी है, उसमें पोस्टुलेट्स में है काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, है ना। ये अणुगति सिद्धांत पे अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। अपन ने बॉयल्स नियम में क्या करा है, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई। तो जो पीछे जो अपनी समीकरण आई थी PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये 2/3 × कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपन ने डिराइव कर लिया बॉयल्स का नियम। नेक्स्ट चलते हैं अपन चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ के अंदर अपना प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो आयतन है गैस का, जितना अपना गिवन क्वांटिटी है गैस की, वो प्रोपोर्शनल होता है परम ताप के समानुपाती होता है, और V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। या अपन अलग अलग वॉल्यूम और टेम्परेचर ले लें, तो वॉल्यूम V1 और T1 प्रेशर कांस्टेंट पे लिया तो वॉल्यूम V2 और T2 इंटू P, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस लॉ का जब डेरिवेशन अपन करते हैं तो देखिए, अणुगति समीकरण से, काइनेटिक इक्वेशन से, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mNc²। तो अपन ने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके PV इज इक्वल टू पिछले समय अपने बॉयल्स नियम में जिस तरह से किया है वो 2/3 काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो काइनेटिक एनर्जी जो है गिवन प्रेशर पे अपन ने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो टी आ गया, या अपना आ गया वी इज प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि अपना प्रेशर क्या है, प्रेशर अपना फिक्स है, तो प्रेशर इंटू 2/3 ये अपना कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल, टी। तो इनडायरेक्टली अपने जो वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल हो गया परम ताप के, तो आयतन हो गया परम ताप के समानुपाती, और इसको इधर ले जाओ V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही अपना चार्ल्स का नियम है। ये दो नियम अपन ने कर लिए, बॉयल्स का नियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और अपन ने दूसरा करा चार्ल्स का नियम कांस्टेंट प्रेशर पर। तीसरा है एवोगैड्रो का
नियम, एवोगैड्रोस नियम के अनुसार अगर टेम्परेचर और प्रेशर अपन कांस्टेंट रखते हैं तो जो समान आयतन की है, सभी गैसों का आयतन अगर अपन ने इक्वल वॉल्यूम किसी गैस का लिया है तो उसके अंदर सभी गैसेस के अंदर जो अणुओं की संख्या होगी या मोल्स की संख्या वो बराबर होगी। अगर P1 is equal to P2 है तो N1 नंबर ऑफ मोल्स है, उसकी संख्या N1 is equal to N2 होगी। T1 और T2 बराबर होगा, V1 और V2 बराबर होगा, मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो अपन जितना अपन लेंगे इक्वल वॉल्यूम वो किसके बराबर होगी, गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के प्रोपोर्शनल होगी। अब इसको अपन डिराइव करेंगे काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैस, अणुगति समीकरण से अपन डिराइव करेंगे। मान लीजिए एक ले लिया प्रेशर P1, V1 is equal to 1/3 mn1 n1 c1 square, और दूसरी गैस के लिए है प्रेशर है P2, वॉल्यूम है V2 is equal to 1/3 m2 n2 c2 square। इन दोनों समीकरण से हमें क्या मिलेगा, P1 V1 is equal to P2 V2, क्योंकि अपन जानते हैं P1 V1 is equal to P2 V2 कैसे आया, ½ m1 c1 square काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ m2 c2 square, क्योंकि टेम्परेचर क्या है दोनों में सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। तो अपन इसकी जगह ½ m1 c1 square कर देंगे और इधर हो जाएगा ½ m2 c2 square, बाकी सब अपने कट जाएगा। या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं, ये भी थोड़े दिन इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं n1 is equal to n2 से, क्योंकि टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस के लिए, और इसको कहते हैं अपन एवोगैड्रोस लॉ, ये एवोगैड्रो का नियम है। इसमें लास्ट जो है लॉ है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं इसको। ग्राहम का विसरण नियम क्या है, अगर एक कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर अपन ने ले लिया तो जो गैस का जो विसरण की जो गति है वो अपने समानुपाती होती है, ये R1 ये प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो R1 है रेट ऑफ डिफ्यूजन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी गैसेस की, R इज प्रोपोर्शनल टू रो, रो जो है डेंसिटी ऑफ गैस है। अब इसमें अपन डेरिवेशन करेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस के आधार पर, तो PV is equal to 1/3 mn c1 square, C स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3PV/nm। उसके बाद अपन ने इसमें से जो C स्क्वायर है अपने वर्ग माध्य मूल वेग है उसको इस तरफ ले जाइए, तो समीकरण हो जाएगी 3PV/nm और इज इक्वल टू 3PV/mn, ये अपना हो जाएगा 3P, ध्यान से देखिए P प्रेशर हो गया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, M इनटू अणु आपका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसकी संख्या हो गई, 3PV/m(m)n, ये होता है अणु भार मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा 3PY rho, और ये अपनी समीकरण आ जाएगी, C अपने स्क्वायर है तो C के फॉर्म में आ जाएगी √3PY rho। तो ये अपने डेरिवेशन हुआ काइनेटिक थ्योरी का, C इज प्रोपोर्शनल टू √3PY rho, ये अपना आया। अब अपने जो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन है ये अपने फॉर्मूले से हैं, C इज प्रोपोर्शनल टू 1/√rho। Rate of diffusion of a gas is in the velocity is directly proportional to velocity of gas. जो rate of diffusion है वो velocity of gas के proportional होता है, और या फिर R1
अपॉन आर टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये अपना बराबर हो गया आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट एन रो टू रो वन। ये ग्राहम्स लॉ है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ गैसेस के। तो ये अपनी है एवोगैड्रोस लॉ। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे कि काइनेटिक इक्वेशन जो है वो एक मोल गैस के लिए है पीवी इज इक्वल टू 1/3 mL²2। इसको अपन जब पूरा सब्सटीट्यूट कर लेते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो अपने पीवी आ जाता है 2/3 KE। ये है अपनी 1 मोल गैस के लिए। फॉर एन मोल्स के लिए अपन क्या करेंगे, एन से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अच्छा, इसमें ये भी कर सकते हैं पीवी इज इक्वल टू आर टी ले लिया 2/3 काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर है 3/2 RT, या दूसरे शब्दों में काइनेटिक एनर्जी जो प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये अपना डेरिवेशन हो गया पूरा कन्फर्म फॉर 1 मोल ऑफ गैस, और ये हो गया अपना पीवी इज इक्वल टू आर टी, काइनेटिक एनर्जी हो गई 3/2 RT, या काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये अपने सारे जो समीकरण है ये सब अपन ने जो ग्राहम्स लॉ है डिफ्यूजन का, बॉयस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इन सबको अपन ने काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस की जो फॉर्मूला है उससे डिराइव कर लिया, और वही इन्फ्रेंसेस मिले जो अपने नियम में लिए हुए थे सैद्धांतिक में। आज इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।